नीट 2023 का रिजल्ट आ चुका है, उसी क्रम में एक सफल अभ्यर्थी शालिनी चौधरी हमारे सामने बैठी हुई हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा शालिनी, ये बताइए नीट में अब तो आप सफल हो चुकी हैं, कुछ अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में क्या आप बताएंगी? सर, जैसे कि आपने सुना, मेरा नाम शालिनी चौधरी है और मेरे फादर का नाम ओम प्रकाश चौधरी है, वो डेंटल हाइजीनिस्ट हैं, और मेरी मम्मी जो हैं वो एक गृहिणी हैं, बेसिकली मतलब हाउसवाइफ हैं वो। और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जो कि सिद्धार्थ नगर ज़िले में है, और मेरा सपना था कि बचपन से ही मैं डॉक्टर बनूँ या फिर ऐसा। तो फिर मुझे गुरुकुल का भी गाइडेंस मिला, मैं वहाँ से निकल कर आई यहाँ गुरुकुल में, तो फिर मुझे यहाँ पता चला कि हम लोग ऐसे तैयारी कर सकते हैं। अच्छा बेटा शालिनी, नीट की तैयारी के लिए क्या रणनीति बनाई कि नीट में तुम सफल हो सको? इसके लिए मैंने सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रही, मैं जैसे फ़ोन वगैरह है तो बस पढ़ने के लिए यूज किया और इसके अलावा नहीं, और टाइम टेबल वगैरह बनाया, सुबह शाम क्लासेस अटेंड किए, उसके बाद लाइब्रेरी जाना, घर जैसे घर जाने पर क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, फैमिली मेम्बर्स हैं और सारे लोग हैं, तो फिर मैं लाइब्रेरी में ही रहती थी शाम को 6 बजे तक या 6:30 बजे तक, उसके बाद मैं घर जाती थी, और रोज़ का शेड्यूल जो भी है उसको रोज़ फॉलो करती थी, जो भी आज क्लास में पढ़ाया गया उसको जाके घर पे पढ़ो, और शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला नोट्स बनाओ, ये सब पढ़ो और अपने टाइम टेबल्स को जो बनाया है उसको अचीव करो। अच्छा नीट में सफल होने के लिए जो रणनीति आपने बनाई, नीट के में सफल होने के लिए जो क्लासरूम प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज है, संजीवनी टेस्ट सीरीज गुरुकुल का, उसको आपने कैसे मैनेज किया? जो क्लासेस है उसको पहले क्लास अटेंड किया, उसके बाद टेस्ट देना है तो उसके लिए एक दिन पहले से जो टेस्ट का सिलेबस है, जो अब टॉपिक टेस्ट हो रहा है, तो वो टॉपिक पढ़कर आई, फिर उस टेस्ट को दिया, क्लास अटेंड किया, टेस्ट दिया, फिर घर जा करके टेस्ट में क्या गलतियां हैं उनको देखा, उनको दोबारा पढ़ा टेस्ट को, बस ये सब। अच्छा नीट के पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अधिकतर विद्यार्थियों को फिजिक्स का डर ज्यादा रहता है और वो फिजिक्स से भागते भी रहते हैं, तो आप इस भय से कैसे बाहर निकले? फिजिक्स का डर तो मुझे भी था शुरुआत में, लेकिन फिर इसके आज सर की गाइडेंस में मुझे वो डर नहीं रहा, वो जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कराना, फिर फॉर्मूला नोट्स बनाने के लिए वो हमेशा बोलते थे, तो हम लोग ऐसे फॉर्मूला नोट्स बनाते थे और उसको रोज का रोज एक बार 5 मिनट या 10 मिनट उसको रोज का रोज रिवाइज करते थे और छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, तो फिर वो धीरे धीरे वो डर चला गया, फिर नहीं फिजिक्स का डर लगता था। अच्छा नीट में सफल होने का श्रेय आप किसको देंगे? SKR सर को, पूरी गुरुकुल की टीम को, अपने सारे टीचर्स को और अपनी फैमिली मेम्बर को, बेसिकली मेरे फादर, मेरे मदर, ये लोग बहुत मुझे सपोर्ट किए हमेशा से, और मेरा भी था जो भी। अच्छा नीट में अब तो आप सफल हो चुकी हैं, आने वाले विगत वर्षों में नीट के विद्यार्थियों के लिए कुछ सुझाव देंगी आप? मेरा सुझाव यही है कि क्वेश्चंस तो जो भी आने हैं या सिलेबस जो भी है वो तो फिक्स है कि NCERT से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, तो आप NCERT को अच्छे से पढ़ें, अपने टीचर्स जो भी आपको बताते हैं उनके गाइडेंस को फॉलो करें और अपना शेड्यूल बनाएं, बिना शेड्यूल के मत पढ़ें और शेड्यूल के हिसाब से फॉलो करें, बस टाइम टेबल बनाएं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, फ़ोन को एकदम दूर ही रखें, बस यही सब। नीट 2023 में सफल होने के लिए शालिनी चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यह एक छोटे से कस्बे सिद्धार्थनगर जिले से आती हैं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामना।